ये कहानी है संकट मोचन महाबली हनुमान की। वही हनुमान जो निरंतर मेरे राम रूप का जाप करते थे, इसीलिए शनि देव भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। हनुमान थे तो शिववंश, परंतु उनको जन्म पुंजिक स्थला नामक एक अप्सरा ने दिया, जिन्हें हनुमान की माता अंजना बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। भगवान शिव के अंश को ग्रहण करने के लिए उन्हें कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। अंजना की भेंट वानर राज केसरी से हुई। केसरी ने राक्षस शंभ साधन का वध कर अंजना से विवाह कर लिया। ये सुन सभी रानियां सिंदूर के महत्व की चर्चा करने लगी। तब मैंने उन्हें बताया कि कैसे एक दिन हनुमान ने भी अपने संपूर्ण शरीर को सिंदूर में रंग दिया था। मैंने उनसे कहा कि मंगलवार को जो कोई भी उनके इस सिंदूरी रूप का दर्शन करेगा, मैं उनके प्रति भी वैसे ही कृपालु हो जाऊंगा जैसा हनुमान के प्रति हूँ। संतान प्राप्ति अस्तु। हम जानना चाहते हैं कि हमें यह सौभाग्य कब प्राप्त होगा। भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए अंजना को 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करनी होगी। यहां से दक्षिण में त्रिलिंग देश में वेंकटाचल नामक पर्वत है, जिसे वाराह क्षेत्र भी कहते हैं। भगवान श्री विष्णु के तीसरे अवतार श्री आदि वाराह ने पृथ्वी का उद्धार करने के पश्चात उसी स्थान को अपना सतत निवास स्थान चुन लिया था। उसके उपरांत आकाशगंगा तीर्थ में स्नान करके तपस्या आरंभ करना। भगवान उमाकांत अवश्य कल्याण करेंगे।
पशुपते नमः। इसी प्रकार कठोर तप करते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। अंजना की इस घोर तपस्या को देख देख कर करुणामयी जगत जननी भगवती पार्वती का हृदय निरंतर पसीजता रहा, किंतु कैलाशपति भगवान आशुतोष अपनी समाधि से बाहर आने का कोई संकेत तक नहीं दे रहे थे। अंततः सत्व मूर्ति शैल पुत्री का धैर्य छूटने लगा। हे शशि शेखर, आंखें खोलिए। अंजना के तप से समस्त लोक कंपित हो उठे हैं। हे दीनानाथ, आप तो आशुतोष हैं, अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। फिर अंजना के घोर तपस्या को तो 12 वर्ष बीत चुके हैं प्रभु, आप कब प्रसन्न होंगे? उस दीन के प्राण संकट में है दीन बंधु, दया कीजिए। आपके अंश का अवतार काल भी निकट आ पहुंचा है। आंखें खोलिए स्वामी और उसे उसकी तपस्या का फल दीजिए। आंखें खोलिए स्वामी और उसे उसकी तपस्या का फल दीजिए। अभी नहीं करुणा माई, अभी एक परीक्षा शेष है। अंजना, तुम्हारा कल्याण हो पुत्री, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। आंखें खोलो पुत्री। आगामी श्रावण कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को देवाधिदेव महादेव साक्षात तुम्हें दर्शन देंगे और आशीर्वाद प्राप्त होगा। उनके स्वागत का
प्रबंध करो पुत्री, और ध्यान रहे पुत्री भगवान भोले शंकर के सत्कार में कोई त्रुटि ना होने पाए। जब ब्रह्मा जी की 100 दिव्य वर्षों की आयु पूर्ण हो जाती है तो मैं प्रलयकालीन संवर्तक सूर्य बनकर अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र, पृथ्वी और प्राणियों के शरीर से सारा जल सोख लेता हूं। जब समस्त ब्रह्मांड दहकने लगता है तो मैं ही प्रलयकालीन मेघ के रूप में सहस्रों वर्षों तक मोटी मोटी धाराओं से इस समस्त ब्रह्मांड को जलमग्न कर देता हूं। तब पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, और आकाश अहंकार में लीन हो जाता है। अहंकार महतत्व में, और महतत्व मूल प्रकृति में लीन हो जाता है। उस अवस्था में जब समस्त जीवों और देवताओं के साथ वेद और ब्रह्मा भी मुझ में समा चुके होते हैं तो इस सृष्टि का उस प्राकृत प्रलय में लोप हो जाता है। फिर नवीन सृष्टि का समय आने पर मैं समस्त सृष्टि के तत्वों व उनकी एकता के द्वारा एक विराट शरीर की रचना करता हूं। उसी विराट शरीर की नाभि से नवीन ब्रह्मा प्रकट होते हैं। अगली प्राकृत सृष्टि के आरंभ में प्रिय हनुमान ब्रह्मा बनकर अपने इस जन्म में अर्जित ज्ञान विज्ञान और मेरी प्रेरणा के आधार पर वेदों व पुराणों को धारण करेंगे। तत्पश्चात रजोगुण का आश्रय लेकर संकल्प शक्ति मात्र से सृष्टि कार्य में संलग्न होंगे और भू भुआ और स्वह नामक त्रिलोकी की रचना करेंगे और फिर प्रजापतियों के माध्यम से वृक्षों, पशु पक्षियों, मनुष्यों की सृष्टि के साथ देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा आदि की देव सृष्टि भी करेंगे। जन्नाभि पद्म भवनादह मासमीते अपने आराध्य श्री राम के गुणगान और उनकी सेवा के अतिरिक्त महाबली हनुमान के हृदय में और कोई अभिलाषा नहीं। उनके लिए सारा संसार सिया राममय है। वो चुटकी बजाकर अपने प्रभु की उबासी दूर भगाएं या ब्रह्मा होकर सृष्टि करें, सब कुछ उनके लिए राम काज ही है। नैव मे दृशमनुस्पृशत्स्त भवाय योग निद्रावसान विकसन नलिनेक्षणाय सोयं समस्त जगतां सुरिदेकयात्मा सत्वेन यन्द्रिडयते भगवान भगेन। हनुमान जी की इतनी महिमा सुनकर मेरे मन में उनके बाल लीला सुनने का चाव और बढ़ गया है। किंतु प्रभु, उसके पहले उनके जन्म की कथा तो पूरी कीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कब और कैसे अंजना को आशीर्वाद देके उसकी मनोकामना पूर्ण की, थोड़ा विस्तार में बताइए ना प्रभु। हाँ श्याम सुंदर, महादेव ने माता पार्वती से कहा था कि वो एक और परीक्षा लेना चाहते हैं। फिर क्या हुआ?
अंजना और केसरी को कहां ये ज्ञात था? वो तो भगवान नंदीश्वर के स्वागत का आयोजन कर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अंततः श्रावण कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का मंगलकारी दिन आ ही गया। प्रातः से संध्या हो गई, किंतु भोलेनाथ अभी तक नहीं आए। भक्ति भिक्षाम देही, भवते भिक्षाम देही, भवते भिक्षाम देही। इस बूढ़े के साथ उपहास कर रही हो? तेरे आधे दांत टूट चुके हैं, आधे दांत सड़ चुके हैं। मुझे रसीले पकवान खिलाओ। रसीले पकवान? ऐसे अनजान बनने का नाटक मत करो। तुम्हारी रसोई में 56 भोग पकाए गए हैं और मैं बड़ी दूर से तुम्हारी उस सुगंध के पीछे यहां तक चला आया हूं। मैं वो भोग लगाए बगैर तुम्हारे द्वार से नहीं जाने वाला हूं। क्षमा करें बाबा, आज हमारे घर में एक विशेष अतिथि आने वाले हैं और ये सारा आयोजन उनके स्वागत के लिए किया है। तुम कह रहे हो कि मैं अतिथि नहीं हूं, मैं बूढ़ा दरिद्र करूप हूं, इसलिए वो अतिथि नहीं होता जिसको न्योता देकर बुलाया जाए। अतिथि वही होता है जो बिना बुलाए किसी भी तिथि में चला जाए। नहीं नहीं बाबा, मेरी बात का अर्थ यह था कि ये सब हमारे इष्ट नहीं, अनिष्ट होगा तुम्हारा। मेरे समान पूरे दरिद्र भूखे को भोजन न करा के कोई भी इष्ट प्रसन्न नहीं होने वाला। बोलो, कराते हो 56 भोग तो मैं चला। Thank you.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.